कि कुछ गलत लोग अपना खौफ दिखा रहे हैं और कुछ गलत लोग हमको बचाने, हम लोग सुन रहे हैं बहुत जगह ये सुनने में आया कि लोग कह रहे हैं कि लालू यादव को हम लोग यूनाइट होकर के वोट करें। एक आदमी जो चारा घोटाले का मुजरिम हमको क्या देगा, एक आदमी जिसको पूरा बिहार झेल चुका है पिछले 15-20 साल, वो क्या देगा? यही देगा कि 15 साल अभी नहीं रहा है, 10 साल तो जितना ज्यादा मौका हो और लूटे। अगर अरविंद केजरीवाल आज अगर कम्युनलिज्म से मुकाबला कोई कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के घर में दहाड़ के आया है और बनारस में उसको धमकी दे रहा कि हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ हमको खौफ दिखा रहे लालू जैसे लोग, तो हम लोग को सोचना है कि ये देश हमारा है और हमको कोई खौफ दिखा करके किसी ने, हम अपने अधिकार से लड़ेंगे इस देश में और हम अपने राइट्स के लिए रहेंगे। ज़्यादातर सुनते हुए आप लोग भी कि हमको मजबूरी है कि मोदी सरकार न बनाए तो हम इसको वोट दें। ये मजबूरी और ये डर लेके हम कब तक जिएंगे? क्या 5 साल बाद ये डर खत्म हो जाएगा? 5 साल बाद ही तो ये डर रहेगा, ये मजबूरी रहेगा। तो हमें सही का साथ देना है ना। ये तो ना कि जब वो बड़का डाकू को बचा रहे तो छोटा डाकू को ला लेंगे सर। हम उसी लालू को सपोर्ट करेंगे जिसने 15 साल बिहार में रह के और बिहार को 15 साल पीछे कर दिया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये नारा से नरेंद्र मोदी को फायदा हो रहा है। आप लोगों का ये सोच होगा कि उसको रोको तो आप एक से एक जगह वोट करो, उसका फायदा उसको भी होगा और उसके भी लोग एक जगह वोट करने लगेंगे। पोलराइजेशन ध्रुवीकरण होगा तो हिंदू पोलराइजेशन हो जाएगा और राजनीति गलत जगह चली जाएगी। अब फायदा लालू जी जैसे राजनेता को हो रहा है जो कहीं से सेकुलर नहीं है, उनके जहन में सेकुलरिज्म नहीं है, वो सियासी फायदा उठाते हैं सेकुलरिज्म का नारा देके। आज कैसे पासवान जी उधर चले गए, कहाँ था उनका सेकुलरिज्म का भाषण, कहाँ चला गया? इतने बड़े बड़े सियासतदार हैं ये लोग, मुलायम सिंह, लालू जी क्यों नहीं बनारस से खड़ा हो गए जाके? हमारा छोटा सा बेचारा अरविंद केजरीवाल रोज पिटाता है चूँकि पुलिस लेके नहीं चलता है, वो आज वहाँ जाके शहर का सिंह बन गया। ये लोग क्यों नहीं खड़े हो गए? सोनिया गांधी क्यों नहीं खड़ी हो गई? अरे लड़का, मुलायम सिंह खड़े हो जाते, मायावती खड़ी हो जाती। बिहार की जनता ने नकार दिया था लालू यादव को, क्या फिर से उस बेईमान को गले लगाने की जरूरत है? किस कभी नहीं जरूरत है। अगर बिहार को बचाना है, देश को बचाना है तो हमको अपनी ताकत को पहचानना होगा। इस नारा से देश को पहचानिए, इस नारा से लालू जी को 4-5 को सीट ज्यादा आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। और बिहार में लालू जी के 10 सीट आने से अगर वो आने वाला होगा तो नहीं रोका जा सकता है। लेकिन हाँ, हम लोगों को अगर मजबूती मिलेगी आपसे तो हम लोग बिना पावर में रहे भी इतने मजबूत सड़क पर रहेंगे कि वो आपका आया किसी भी कमज़ोर वर्ग का वो बालबाका नहीं बिगाड़ सकते। हम सड़क पर भी ज़्यादा मजबूत हैं उनसे, भले प्रधानमंत्री हो जाए नरेंद्र मोदी या लालू जी को या सोनिया गांधी, लेकिन सड़क पर अरविंद केजरीवाल और हमारे ऐसे आम आदमी मजबूत और उसी के साथ रह के आपकी सुरक्षा हो सकती है। किसी को सुरक्षा हो क्या देंगे? आपको अपने को सुरक्षित रखना है। सही पॉलिटिक्स कीजिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गलत पॉलिटिक्स कीजिएगा, हमेशा असुरक्षित रहिएगा। आपको आपको दोस्तों की खोज करने का, असली दोस्त आपके कौन हैं? और हमको ये स्वाभिमान है कहने का, हौसला है कि हम ही आपके असली दोस्त हैं, बाकी सब ठगने वाले दोस्त।